एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्लास नंबर, आज की हम लोगों की क्लास है क्लास नंबर 3, ठीक है। और क्लास नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे और सीख रहे हैं। क्लास नंबर 1 में और क्लास नंबर 2 में पहले ही मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर को पढ़ रहे हैं तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का ये एक और क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर करती कैसे है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के मैंने आप लोगों को पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में, पहले क्लास में बताया हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। तो पहला जो प्रकार है हम लोगों का वो है हम लोगों का नेट एसेट्स, ठीक है, नेट एसेट्स मेथड। अब नेट एसेट्स मेथड से हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इसमें वो इसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि, ठीक है, शुद्ध संपत्ति विधि। अब हम लोग कर रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे और किससे करेंगे, इससे करेंगे नेट एसेट्स मेथड से। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2014 को आभा एवं अभिषेक लिमिटेड का स्थिति विवरण को बोलते हैं बैलेंस शीट। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसमें देखो लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 आभा एंड अभिषेक लिमिटेड। तो अभिषेक लिमिटेड के हम लोगों को बैलेंस शीट दी हुई है और आभा लिमिटेड की दी हुई है, ठीक है। अब हम लोगों से पूछी गई है वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि नेट एसेट्स मेथड में मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूं कि नेट एसेट्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एसेट्स देखेंगे कंपनी की, जिस भी कंपनी की अगर हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है, जिसकी भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसकी नेट टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, टोटल लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोगों की आ जाएगी क्या, नेट एसेट्स आ जाएंगी, हम लोगों की क्या आ जाएंगी, नेट एसेट्स। तो इसी से हम लोग उसी में हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या, इसी में हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर का। तो हम लोगों की एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का रिवीजन करा दिया। अब सबसे पहले हम लोगों को चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट देखते लिए थे कौन सी कंपनी को क्या पूछा गया है। तो इसमें देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, और सबसे पहले शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में कितनी है कि आभा की है 50,000 रुपये कैपिटल और अभिषेक की है 20,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 5,000 और 2,000। क्रेडिटर्स हैं, ये लाइबिलिटी हैं हम लोगों की। तो लाइबिलिटी इनकी है, टोटल लाइबिलिटी है 5,000 और इनकी लाइबिलिटी है टोटल 3,000 रुपये, ठीक है। ये तो बैलेंस शीट का हो गया। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और ये दी हुई हैं हम लोगों की एसेट्स। जब हम लोगों का एसेट्स का यूज़ करेंगे तब देखेंगे। अब नीचे वाली बात को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए कि आभा तथा अभिषेक लिमिटेड के स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन क्रमशः, स्थायी संपत्तियों का याद रखना कि ये फिक्स एसेट्स हैं, इनका जो मूल्यांकन किया गया है वो 40,000 रुपये और 25,000 रुपये में किया गया है। ख्याति का मूल्य शून्य है, क्या है, भी जीरो हो गया है। जिसमें भी ख्याति है उनका मूल्य कैसा हो गया है, जीरो। संपत्ति मूल्यांकन विधि से, मतलब कि नेट एसेट्स विधि से दोनों कंपनियों के अंशों के मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या करना है, एक एक कंपनी करके हम लोगों को दोनों के शेयर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे आभा कंपनी का, ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे आभा कंपनी, ठीक। तो सबसे पहले निकालेंगे आभा कंपनी, ठीक है, आभा कंपनी का निकालेंगे। अब इसमें देखो आभा कंपनी की सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इससे इस क्वेश्चन को छोटा सा कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि आभा कंपनी का देखो कि टोटल एसेट्स हम लोगों को देखनी है, टोटल एसेट्स, ठीक है। तो टोटल एसेट्स देखो इसमें सबसे पहले हम लोग आभा एलटीडी का देखेंगे, मतलब आभा लिमिटेड का देखेंगे। आभा लिमिटेड की सबसे पहले हम लोगों को टोटल एसेट्स देखनी है, और टोटल एसेट्स में देखो इसमें लिखा हुआ है पहले नंबर पे फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स इनकी बोली गई है 28,000 रुपये बुक वैल्यू है, जो ये दी हुई है बुक वैल्यू, लेकिन इनकी रीवैल्यू करके ये देखो लिखा हुआ है कि इनकी दोबारा से वैल्यू क्या है, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन क्रमशः 40,000 रुपये। तो अब हम लोग लिखेंगे इनके में दोबारा से लिखेंगे फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स आभा की कितनी है, 40,000 रुपये, ठीक है, एक एक करके करेंगे। अब उसके बाद देखो गुडविल लिखी है, गुडविल में इनके में तो डैश है, तो ठीक है, इनके में हम लोग गुडविल को नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद देखो शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड,
अब सेक लिमिटेड के इन लोगों ने शेयर ले रखे हैं, ठीक है, तो अब सेक लिमिटेड के शेयर ले रखे हैं, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को आभा लिमिटेड को करने से पहले हम लोगों को अब सेक लिमिटेड का करना होगा। तो चलो हम लोग साइड में अब सेक लिमिटेड क्या बना लेते हैं। तो ये है हम लोगों की अभिषेक लिमिटेड, अभिषेक लिमिटेड। अब अभिषेक लिमिटेड में देखो सबसे पहले टोटल एसेट्स कितनी है और उसमें लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स अभिषेक की देखना जरा ये कितनी हुई है। यहाँ पे बुक वैल्यू में तो 20,000 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पे जो दी गई हैं वो है 25,000। तो हम लोगों को ये नीचे वाली लिखनी है 25,000 रुपये, जो दोबारा में बुक वैल्यू करके रीवैल्यू करके दी गई हैं। फिक्स एसेट्स होगी इन लोगों की 25,000 रुपये अभिषेक की, ठीक है। अब उसके बाद देखो गुडविल में कहा गया है कि इनके में 2,000 है और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ख्याति का मूल्य 0 है, तो मतलब कि गुडविल को हम लोग क्या लिख देंगे, या तो लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे तो क्या करना है 0, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड। अब शेयर ऑफ अभिषेक लिमिटेड ये तो इनके में देखिए इनके में डैश है तो इनके में कुछ नहीं है, तो जब हम लोग आभा की निकालेंगे तब हम लोग करेंगे इसकी चीज़ को। अब उसके बाद करंट एसेट्स दी हुई हैं और करंट एसेट्स इनकी हैं 26,000 रुपये और इनकी हैं 3,000 रुपये, तो इनकी हम लोग लिख देंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, और करंट एसेट्स इनकी लिखी हुई हैं 3,000 रुपये। तो अगर हम लोग देखें कि इन लोगों की, सॉरी अभिषेक की टोटल एसेट्स अगर देखी जाए, टोटल एसेट तो ये है हम लोगों की 2503,28,000 रुपये, ठीक है, 2503,28,000 रुपये, ठीक है। अब इनकी टोटल लाइबिलिटी निकाल लो, तो टोटल लाइबिलिटी साइड में लाइन खींच देते हम लोग, ठीक है, ये है टोटल लाइबिलिटी, सॉरी टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी में चलो अभिषेक की लाइबिलिटी देखते हैं कि कितनी लाइबिलिटी है। तो अभिषेक की देखो एक है हम लोगों की जो लाइबिलिटी होती है वो देखो करेंट लाइबिलिटी लिखी हुई है, और करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहले नंबर पे है क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, वो होती हैं जो हम लोगों को किसी को पेड करनी होती है। तो देखो हम लोगों को अभिषेक की देखना है, तो अभिषेक में लिखे हैं 2,000 रुपये और ट्रेड पेबल में बिज पेबल में लिखे हैं 1,000 रुपये, तो हम लोग लिख देंगे करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी बराबर कितनी है, करेंट लाइबिलिटी, सॉरी करेंट लाइबिलिटी के अंतर्गत है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में लिखी हुए हैं 2,000 रुपये, ठीक है, और बिल्स पेबल में लिखी हैं, बिल्स पेबल में लिखी हैं 1,000 रुपये। तो टोटल अगर लाइबिलिटी की जाए तो टोटल लाइबिलिटी जो आएगा टोटल इसका, तो इसका आएगा टोटल, इसका आएगा 3,000 रुपये, ठीक है। तो अगर हम लोग नेट एसेट्स निकालें, नेट एसेट्स ऑफ अभिषेक एल टी डी, ठीक है, अभिषेक एल टी डी का निकाल रहे हैं हम लोग नेट एसेट्स, चलो इसको हटा देते हैं, ऑफ को हटा देते हैं, कोई मतलब का नहीं है, नेट एसेट्स निकाल रहे हैं हम लोग। नेट एसेट्स बराबर क्या होता है, टोटल एसेट्स, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल लाइबिलिटी तो चलो हम लोग टोटल हम लोगों का देखो कि टोटल एसेट्स हम लोगों की 28,000 रुपये, अभी से की देख रहे हैं हम लोग अभी सिर्फ 28,000 रुपये, और लाइबिलिटी जो है वो है 3,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे हम लोग 3,000 रुपये, तो हम लोगों की नेट एसेट्स आ जाएगी, नेट एसेट्स बराबर कितनी हो गई, 25 में से 3 चले गए तो ये हो गए हम लोगों के, सॉरी 28 में से 3 चले गए तो ये हो गए हम लोगों के 25,000 रुपये, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ शेयर, तो वैल्यू ऑफ शेयर तो वो निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ शेयर बराबर, सॉरी वैल्यू ऑफ शेयर बराबर क्या होता है, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स बटे में हम लोग लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। चलो अब हम लोग देखते हैं कि अब से के शेयर कितने हैं, तो नेट एसेट्स में हम लोग लिख देते हैं 25,000 रुपये, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर देखते हैं आप शेयर के कितने हैं। तो देखो इसमें देखो शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है कि एट द रेट 1 रुपये प्रति, मतलब कि एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 1 रुपये, तो ये जो शेयर कैपिटल में लिखे हुए हैं तो इसमें क्या है 20,000 शेयर हैं, और 20,000 शेयर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैपिटल कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये, तो हम लोगों को चाहिए क्या शेयर, तो शेयर हो गए हम लोगों के 20,000, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए, एक शेयर की निकालने के लिए वैल्यू को
हम लोग 20,000 शेयर से भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें 20,000 शेयर हैं उसके। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे इससे, तो ये आएगा 1.25 पर शेयर, ठीक है, 1.25 पर शेयर। तो ये किसका है, वैल्यू ऑफ अभिषेक कंपनी शेयर। अभिषेक कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, 1.25 रुपये। पहले कितनी थी, 1 रुपये, आप कितनी होगी, 1.25 रुपये। चलो अब हम लोग करते हैं आभा कंपनी का, आभा लिमिटेड का, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें हम लोगों ने आधा कर लिया था कि आभा कंपनी की फिक्स एसेट्स जो हैं वो हैं 40,000 रुपये, ठीक है, वो हैं 40,000 रुपये। चलो अब उसके बाद देखो, इसमें लिखा हुआ है गुडविल, और गुडविल में इनके में कोई बात ही नहीं है, इनके में डैश है, तो हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद लिखा है शेयर ऑफ अभिषेक, अभिषेक कंपनी का, आभा कंपनी ने शेयर खरीद रखा है, ठीक है, और वो कितने शेयर खरीद रखे हैं इन्होंने, 2,000 रुपये। वो अपने एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो इनका क्या है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट को हम लोग एसेट्स में लिखते हैं। तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि टोटल एसेट्स का देना, हम लोग ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं इनकी, तो शेयर ऑफ, इसी में लिख देंगे शेयर ऑफ अभिषेक, तो इसमें शेयर कितने हैं, 2,000, तो 2,000 शेयर हैं, ठीक है। अब अभिषेक कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, 1.25 रुपये। तो अब इन 2,000 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, इनका करेंगे हम लोग इससे मल्टीप्लाई, तो 1.25 रुपये से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हम लोगों का 2,500 रुपये, ठीक है। ये कितना आएगा हम लोगों का, 2,500 रुपये, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए कैलकुलेटर से, आप लोगों को अलाउ हो सकता है अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो। अब उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल के बाद शेयर लिखा है, शेयर के बाद लिखा है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आभा लिमिटेड की कितनी लिखी हुई है, 26,000 रुपये। तो इसको लिख लेंगे हम लोग सी ए मतलब करंट एसेट्स बराबर कितनी है, 26,000 रुपये। अब उसके बाद कोई एसेट्स नहीं है। चलो अब हम लोग इसका कर लेंगे टोटल, तो इसका जो टोटल आएगा, इनका टोटल आएगा 68,500, ठीक है, इनका टोटल आएगा 68,500। टोटल एसेट्स लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लिख देते हैं, टोटल एसेट्स। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने हैं, मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेटर से रखा हुआ है, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं तुरंत लिख देते हैं। अब उसके बाद टोटल लाइबिलिटी करनी है हम लोगों को, तो टोटल लाइबिलिटी, अब टोटल लाइबिलिटी में क्या है, सबसे पहले हम लोगों को देखेंगे, एक हम लोगों का क्रेडिटर्स है और एक हम लोगों का बिल्स पेबल, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देख लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, टोटल एसेट्स हम लोगों की आ जाएंगी। तो देखो इसमें, देखो क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है 3,000 रुपये और 2,000 रुपये, तो ये हम लोग दोनों को लिख लेंगे, ये इनकी टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी है, तो 3,000 रुपये और यहाँ पे 2,000 रुपये, ठीक है। टोटल अगर लाइबिलिटी पूछा जाए तो टोटल लाइबिलिटी हम लोगों की 5,000 रुपये, टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स में सबसे पहले क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। अब टोटल एसेट्स में हम लोग देखते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। देखो टोटल एसेट्स हम लोगों ने जोड़ी हैं, कितनी रखी हैं, 68,500, तो 68,500 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस कर देंगे हम लोग टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी में कितने लिखे हुए हैं, 5,000 रुपये। तो इससे जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों की क्या आ जाएंगी, हम लोगों की आ जाएगी नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स कितनी आ गई, ये 500 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। अब देखो इसमें से 500 हो गए और इसमें से 8 में से 5 गए, तो 3 बचे, और यहाँ पे आ गए 63,500। 68,500 में से 5,000 घटाए तो आ गए हम लोगों के 63,500। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, और वैल्यू ऑफ शेयर बराबर होता है नेट एसेट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो नेट एसेट्स हम लोगों की हैं 63,500, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर आभा लिमिटेड की कितनी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो वो है हम लोगों की 50,000 है ना, एक शेयर की 1 रुपया की वैल्यू है, तो शेयर कितने हो गए, 50,000, ठीक है। शेयर कितने हो गए, 50,000। जब हम लोग इससे इसका भाग देंगे तो देखो इसमें थे 2 बिंदी, यहाँ से कट, ठीक है। अब बचे कितने, 635, और डिवाइड कर देंगे हम लोगों कितने से, 500 से। अब 500 से जब डिवाइड करेंगे
तो ये जो बिंदी है यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो गया, 6.35 डिवाइड बाई 5। अब इसको हम लोग 5 से इसको कट करेंगे तो 5 बन जा 5.57 जा 35। तो ये हम लोगों का आएगा 1 रुपये 70 पैसे, ठीक है, 1 रुपये 70 पैसे की वैल्यू आई। सॉरी, इसको कहीं हम लोगों ने सही नहीं डिवाइड किया है, इसको आप लोग दोबारा से डिवाइड कीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक सेकेंड, हाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, हम लोगों ने 5 बन जा 5 और इसको कैरी नहीं लिया, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, एक सेकेंड, देखो इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो 5 बन जा 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक कैरी यहाँ से हो जाए तो यहाँ पे हो गया क्या, 12। अब यहाँ पे 5 का टेबल पड़ेंगे तो 5 × 2 = 10, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे 10 तो है नहीं, यहाँ पे 13 थे, 13 का यहाँ पे पहुँच गया 3, तो 5 × 7 = 35। तो 1 रुपये 27 पैसे ये वैल्यू आई है इसकी। तो वैल्यू ऑफ शेयर आ गई आभा की, वैल्यू ऑफ शेयर बराबर 1 रुपये 27 पैसे और इनकी है 1 रुपये 25 पैसे। अब हम लोग इसको आंसर में देख लेते हैं कि हम लोगों के आंसर क्या दे रखे हैं। तो नेट एसेट्स आभा की दे रखी है 63,500, ठीक है, और 25,000 अब सीख की, हमको वैल्यू ऑफ शेयर देखना। देखो आभा की कितनी है, 1 रुपये 27 पैसे और अब सीख की है हम लोगों की 1 रुपये 25 पैसे और हम लोगों का ये आंसर है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल आराम से बेसिक से बताया है। अब मैं आप लोगों के लिए कल एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम लोग करेंगे ये हम लोगों ने नेट एसेट्स मेथड किया है, क्या किया है, नेट एसेट्स मेथड के द्वारा क्वेश्चन किया है। अब हम लोग करेंगे कि इनकम मेथड, ठीक है, और इनकम मेथड को ईल्ड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ईल्ड मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ईल्ड मेथड, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और जिससे कि मैं आप लोगों को जो भी वीडियो बनाऊँ उससे सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।